तो दोस्तों आज के इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए क्लोज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करवाना है यानी हमेशा के लिए बंद करना है तो दोस्तों अभी आपको किसी भी ऑफिस या ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही यानी आप अपना मोबाइल से ही ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए आप ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट को क्लोज कर सकते हो यानी हमेशा के लिए बंद कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस। तो दोस्तों अपना ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट ऑनलाइन पर क्लोज करने के लिए हमें तीन स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको ज़ेरोधा का एक क्लोजर फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसके बाद उस क्लोजर फॉर्म को DGO पे अपलोड करके उसे ई साइन करवाना है और तीसरा स्टेप्स में आपको एक टिकट क्रिएट करना है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये होता है ज़ेरोधा का क्लोजर फॉर्म। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसे आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं इस फॉर्म को फिलअप कैसे करें तो इस वीडियो का लास्ट में मैं बताया हूँ, मैं दिखाया हूँ कि कैसे आप ज़ेरोधा का इस क्लोजर फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों इस ज़ेरोधा का इस क्लोजर फॉर्म को फिलअप करने के बाद इस फॉर्म को आपको DGO का वेबसाइट पर अपलोड करना है यानी आपको ई साइन करवाना है। तो दोस्तों देख सकते हो ये होता है DGO का वेबसाइट। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉग इन होना है और लॉग इन होने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर कोई एक डाल दीजिए। अच्छा चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए मैं अपना OTP को यहाँ पर भर देता हूँ। चलिए अपना OTP यहाँ पर भर दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है, आपका हिसाब से कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पर सेट कर लीजिएगा क्रिएट के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल दीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर इस बॉक्स है, इस बॉक्स में क्लिक करके आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसे वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपको साइन अप का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइन अप का ऑप्शन पर क्लिक करते आप DGO का वेबसाइट पर लॉग इन हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ज़ेरोधा का जो क्लोजर फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है उस क्लोजर फॉर्म को आपको यहाँ पर अपलोड करना है यानी क्लोजर फॉर्म फिलअप करना है और इसके बाद यहाँ पर अपलोड करना है। इसलिए यहाँ पर जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शंस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है उसका एक फ़ोटो कॉपी लेना है और फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो फोटो पर क्लिक कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। उस फॉर्म यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर दिखाई जाएगी। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद उस फॉर्म यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको यहाँ पर आप ई साइन करवाना है। तो ई साइन करवाने के लिए देखिए ऊपर आपको साइन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको इसे साइन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। साइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड जो आपको सिलेक्ट करना ही होगा, इसके बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पर लिखा है नॉट सफिशिएंट क्रेडिट प्लीज़ बाय मोर साइंस। यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपका जो यहाँ पर साइन है इसके लिए आपको 50 रुपये का एक पैसा हो गया कि वो जो आपके पास नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपको साइन जो है बाय करना है। तो बाय कैसे करेंगे तो इसके इसलिए दोस्तों देख सकते हो लेफ्ट साइड पे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है अपग्रेड। तो सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपग्रेड का ऑप्शन है अपग्रेड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अपग्रेड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो जो इंडिविजुअल के लिए है, इंडिविजुअल के लिए आपको 50 रुपये आपको देना होता है जिसके लिए आपको 2 साइन करने का मौका मिलता है, लेकिन आपको एक ही साइन करना है तो फिर भी आपको 50 रुपये ही देना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो बाय नाउ का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। बाय नाउ का ऑप्शन पर क्लिक कर देने के साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो 50 रुपये आपको पेमेंट तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना जीमेल डाल दीजिए। जीमेल और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन निकल कर आ जाएगी। आप किसी भी जरिए पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप फिर से अपना DGO पर आइए। यहाँ पर आपको फिर से साइन पर क्लिक कीजिए और साइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आधार है आपको आधार सोर्स कर लीजिएगा जैसे आपने पहले किया था। तो आधार सोर्स करने के साथ ही साथ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो कंटिन्यू के ऑप्शंस पर क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने कुछ इस तरफ का इंटरफेस नजर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आपका जो आधार कार्ड का सारे डिटेल्स भरने के लिए आ रहे हैं, यानी यह जो आई है ये आपका NSDL से आई है। तो यहाँ पर आपने जब भी अकाउंट खोली तो शायद आपको इसी तरफ का कुछ फॉर्म फिलअप करनी होती थी, तो यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोज करने के लिए भी ये फॉर्म आपको फिलअप करने है। तो यहाँ पर जो BID है यानी आधार नंबर है, यहाँ पर आपका अपना जो आधार कार्ड का 16 अंक है, आधार कार्ड का 16 अंकों का यहाँ पर आपको डाल देना है और 16 अंक डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कीजिए। जैसे आप सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही साथ आपका जो मोबाइल नंबर है, आपका आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी और उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। चलिए मैं अपना OTP को यहाँ पर एंटर कर देती हूँ। OTP एंटर कर देने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वेरीफाई OTP का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सिंपली इस वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP के ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों देख पाएंगे कि आपके सामने कुछ इस तरफ का इंटरफेस नजर आएगी, यानी आपका जो NSDL प्रोसेस है कंप्लीट हो गई है, आपका फॉर्म आप ई साइन हो गई है। तो आप देख सकते हैं इस तरफ का फॉर्म आपको नजर आएगी, आपका जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर नजर आएगी और यहाँ पर आपको साइन का ऑप्शन दिख रहेगी SIND, यानी आपका जो फॉर्म है कम्प्लीटली साइन हो गए है। इसके बाद दोस्तों इसे आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये जो ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको डाउनलोड और ईमेल कॉपी दो ऑप्शंस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों आपको आपका आखिरी स्टेज है जिसमें आपको अपना टिकट क्रिएट करना है, यानी आपका जो अकाउंट है वो क्लोज करने के लिए जो अप्लाई है वो अप्लाई कर देना है। तो इसलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, यानी टिकट क्रिएट करती हूँ। अपना ज़ेरोधा का अकाउंट क्लोज करने के लिए जो टिकट क्रिएट करने है, इसलिए दोस्तों आपको देख सकते हो यहाँ पर है क्रिएट टिकट का एक ऑप्शन आपको नजर आएगी, आप देख सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे चुकी हूँ, तो उस पर क्लिक करके भी आप टिकट क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपल आपको सिंपल ये जो क्रिएट ये टिकट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप क्रिएट ए टिकट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो के आएगी। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ तक क्लिक करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो यहाँ तक आने के बाद आपको एक क्रिएट आपका एक टिकट क्रिएट करना है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट एन ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करनी है कि अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है या नहीं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं फिलहाल नो पर क्लिक करती हूँ। जैसे मैं नो पे क्लिक करती हूँ, नो पे क्लिक करने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू फेसिंग एन इशू, सेलेक्ट एन इशू पे आपको क्लिक करना है। आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट आपको यहाँ पर नजर आएगी, सिंपल आपको इसे स्विच कर देना है। आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना क्लाइंट ID डाल देना है, आपका जो भी क्लाइंट ID है वह डाल दीजिए और नीचे आपको यहाँ पर आपका ईमेल डाल देना है। ईमेल डालना है दोस्तों, आप बात करते हैं कि ईमेल कौन सा डालूँ। यहाँ पर आपको वही ईमेल डाल दीजिएगा जिस ईमेल के जरिए आप ज़ेरोधा का अकाउंट खोली थी, यानी जब भी आप ज़ेरोधा का अकाउंट खोली थी तो उस वक्त आपसे एक जीमेल मांगा गया था, तो ही रजिस्टर्ड जीमेल आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाना है, तो नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है दोस्तों। आपको जब भी आएंगे यहाँ पर तो आपको नजर आएगी ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आप इसे यहाँ पर काट दीजिए और यहाँ पर आपको लिखना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट। जी दोस्तों आपको इतना लिखना है, जी दोस्तों आपको सिर्फ इतना लिखना है आई वॉन्ट टू क्लोज माई अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब में आपको लिखना है, यही लिखना है दोस्तों कि मैं अपना अकाउंट जो है क्लोज करना चाहते हो। यहाँ पर लिखना है प्लीज़ क्लोज माई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। जी दोस्तों आपको ये लिखना है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, बस इतना ही लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको और भी एक काम करना है, वो है यहाँ पर देखिए जो फाइल है, फाइल पर ब्राउज़र है, ब्राउज में क्लिक करके दोस्तों आप जो भी अपना ई साइन कर रहे हैं अभी जो अपना फॉर्म है, फॉर्म को जो आप ई साइन कर रहे हैं उस ई साइन करवाना फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ब्राउज पर क्लिक कीजिए, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी उस फाइल को रखिए वहाँ से आप इस फाइल को अपलोड कीजिएगा। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक कर दो, क्लिक करने के साथ साथ यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट का ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्रिएट टिकट का ऑप्शन आपको नजर है तो इसमें आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्रिएट टिकट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्रिएट टिकट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो टिकट है वो क्रिएट हो जाएगी यानी जनरेट हो जाएगी, यानी आप जो ज़ेरोधा का अकाउंट क्रॉस करने के लिए जो अप्लाई वो कम्प्लीटली हो जाएगी। इसके बाद 8 से 10 दिन के अंदर दोस्तों आपको जीमेल पे एक मेल आएगा कि आपका जो ज़ेरोधा का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट था वो कम्प्लीटली क्रॉस हो चुकी है। जैसे तो 8 से 10 दिन का वक्त लगता है, इसके बाद दोस्तों आपका जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि ज़ेरोधा का इस क्लोजर फॉर्म को हम फिलअप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, तो वहाँ से आप इसे क्लोजर फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट करना है। प्रिंट आउट करने के बाद आप पेन के जरिए इसको फिलअप कीजिएगा। तो फिलहाल मैं भी पेन के जरिए नहीं, मैं डिजिटली मैं अपना लैपटॉप से ही फिलअप करूँगा, लेकिन आप पेन के जरिए प्रिंट आउट निकालने के बाद पेन के जरिए आप इसे फिलअप कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लैपटॉप में ही दिखाते हूँ कि कैसे आप ऐसे फिलअप कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड ट्रेडिंग अकाउंट, ज़ेरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले दोस्तों हम दोनों पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम जो है अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही अकाउंट जो है हम क्लोज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, डीएक्टिवेट अकाउंट और क्लोज अकाउंट। तो फिलहाल हम इस अकाउंट को क्लोज करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम जो यहाँ पर क्लोज अकाउंट का ऑप्शन है इस पर हम टिक से देंगे। टिक से देने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी। दोस्तों आपका जो ज़ेरोधा का अकाउंट है, ज़ेरोधा का अकाउंट की अपना प्रोफाइल पे जाइएगा और प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी आपका ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी। तो सबसे पहले वही ट्रेडिंग क्लाइंट आईडी जो है वो आपको यहाँ पर भर देना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे देखिए आपका जो डीपीआईडी है वो डीपीआईडी पहले से भरा हुआ होता है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका बीओआईडी डाल देना है। लेकिन अब बात करते हैं कि बीओआईडी क्या होता है। दोस्तों आपका जो भी ज़ेरोधा का अकाउंट होता है, अकाउंट नंबर होता है, वो आपको 16 अंकों का होता है। 16 अंकों में से जो आखिरी 8 अंक होता है वो होता है आपका बीओआईडी। जैसे आपका डीमैट अकाउंट 16 अंकों का होता है, उनमें से जो फर्स्ट 8 अंक होता है वो होता है आपका डीपीआईडी, जो आपको ये नज़र आएगी आप अच्छे से देख लीजिएगा, और जो आखिरी 8 अंक होगा वो होगा आपका बीओआईडी। तो आखिरी जो 8 अंक होता है वही आपको यहाँ पर डाल देना है, तो ही आप डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर जो आप देख सकते हो फर्स्ट सोल होल्डर, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको यहाँ पर वही एड्रेस डाल देना है जो एड्रेस आपने जो आप अकाउंट ओपन की थी उस वक्त जो एड्रेस आपने दिया था, यानी आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आप यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना सिटी चूज करना है कि आप कौन सी सिटी में रह रहा है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप कहाँ से हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, उस स्टेट यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर डाल दीजिएगा, आपका जो भी पिन नंबर है पोस्ट ऑफिस का वो पिन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक रीज़न चूज करना है कि आपका अपना अकाउंट क्यों क्लोज करना चाहे, तो रीज़न पर आपको लिखना है आई डोंट हैव सफिशियंट फंड्स टू इन्वेस्ट, आई डोंट हैव सफिशियंट funds to invest। जस्ट आपको इतना ही लिखना है, आई डोंट हैव सफिशियंट फंड्स टू इन्वेस्ट सो आई एंड टू क्लोज माई अकाउंट। इसके बाद नीचे देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं बैलेंस रिमेनिंग इन योर अकाउंट, यानी अगर आपके पास कोई बैलेंस है तो आपको यहाँ पर कोई टिक देना है कि आप कौन कहाँ पर अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका अकाउंट पे कोई भी बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो फिलहाल मेरे पास अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये नीचे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास अकाउंट में कोई पैसा नहीं है तो आपको ये फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नीचे जाना है और नीचे देखिए यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, आपका जो भी नेम है आप अपना नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इस फॉर्म का इतना ही करना है। इसके बाद तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह के नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, खुदा हाफिज़।